नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के एक फायर ब्रांड मिनिस्टर, मध्य प्रदेश सरकार में होम मिनिस्टर और अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में आने वाले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं। दतिया से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन सबसे पहले सर, आज आपका मैंने बहुत ही शायराना अंदाज देखा, जिस तरह से आप एक के बाद एक लोगों से के बीच जाकर आयोजनों का हिस्सा बन रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। पहले तो ये जो शायराना अंदाज था उसमें कुछ आप बयां करें आज, क्योंकि वो आपका ऐसा अंदाज है जो टीवी की जनता को कभी नहीं मिला, टीवी की ऑडियंस ने नहीं देखा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सामयिक विषय थे, उस समय पे जो विषय याद आया, जो बात याद आई वो मैंने आपको। अच्छा, तो चुनाव पर कौन सी शायरी आपको याद आ रही, जो इस समय चुनाव है इस पर क्या कहेंगे? चलिए, आप खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, ये बताइए, चुनाव आपका लड़ाई, मैं सुन रही थी आप जब बोल रहे थे, आपकी लड़ाई इस चुनाव में किससे? मेरे को तो किसी से नहीं दिख रही है, मेरे को जनता का आशीर्वाद है, माई का आशीर्वाद है, बगला मुखी का, इसलिए मैं किसी की परवाह करता नहीं, किसी से लड़ाई मानता नहीं। जनता अगर आशीर्वाद देती रहे तो किसकी चिंता है, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, यहाँ बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। क्या बात है, देखिए इसी अंदाज की तो मैं बात कर रही थी जो आज हमें सुबह से देखने को यहाँ पर लगातार मिला है दतिया में। कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि इस बार उसकी सरकार आ रही है, बीजेपी ने, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया, ये कहा जा रहा है। सर, आपके जो सपोर्टर्स तो पिछली बार भी यही कह रहे थे, जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो बनाएंगे कैसे, आप भी तो सोचो इस बात को, ये इनका मुगालता है, गलत फहमी। पिछली बार ये 2 लाख का कर्जा का भ्रम फैलाने में सफल हो गए थे और इन्हें एक का भी 10 दिन में 2 लाख माफ़ नहीं किया, इनको सजा मिलेगी इस बार। पिछली बार ये वर्ग संघर्ष पैदा करने में कांग्रेस सफल हो गई थी, 2 अप्रैल का दंगा, इसलिए इनको ग्वालियर चंबल के कारण बढ़त मिली थी। इस बार ये एक भी चीज़ नहीं है, पिछली बार महाराजा सिंधिया ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के साथ थे, उल्टा है इस बार वो भाजपा के साथ, तो हमारी लाडली बहना और जैसे मुद्दे भाजपा के साथ है, उल्टा होगा पलटा होगा, आप देख लीजिए। ये उल्टा पलटा की बात आप कर रहे हैं, तो ये उल्टा पलटा कितना बीजेपी के फेवर में होगा, फिर मैं आपसे ये पूछूं। 100% बीजेपी के फेवर में होगा। अगर मैं आपसे पूछूं, मध्य प्रदेश सरकार में जो एक बहुत ही वोकल मिनिस्टर है, फायर ब्रांड लीडर है, उनका प्रोजेक्शन, उनका आकलन क्या कहता है कि इन चुनावों में बीजेपी कितनी सीट्स के साथ जीत दर्ज करे? 150 से ऊपर 2/3 भी हो सकते हैं। और इस कॉन्फिडेंस का आधार सर? मेरे से पूछना जरूर आप 3 तारीख को, अगर कम निकले 150 से तो मेरे से बात जरूर करना। मैंने आज तक जब जब राजनीतिक रूप से कहा है तो कभी गलत नहीं निकला है, आज तक एक भी बार। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? जनता से, माई से, माई का भक्त हूँ। तो जब आप जा रहे हैं जनता के बीच में, वो आपसे क्या कह रहे हैं, आपको क्या सुनने को मिल रहा है? जनता को जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो जानते हैं कि अगर हमने कमल का बटन दतिया में दबाया तो दहशत पाकिस्तान में आती है। वो हमारी यहाँ की जनता मध्य प्रदेश की जानती है कि कमल का बटन हमने अपने मध्य प्रदेश के किसी गाँव में दबाया तो सेना पर सैनिक की बाजुएं मजबूत होती हैं। वो जानते हैं कि कमल का बटन हमने किसी भी शहर में अगर हमने दबाया है तो हिंदुस्तान के अंदर गरीबों को आवास मिलते हैं, कमल का बटन दबाते हैं तो शौचालय मिलता है, कमल का बटन दबाते हैं तो उज्ज्वला गैस मिलती है, कमल का बटन दबाते हैं तो राम मंदिर मिलता है, कमल का बटन दबाते हैं तो 370 समाप्त होती है, कमल का बटन दबाते हैं तो CAA आता है, कमल का बटन हटा दबाते हैं तो ट्रिपल तलाक का विषय हल होता है। ये है लोगों की इच्छा और इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। आपने बहुत सारे मुद्दे छुए हैं और मैं उन सब मुद्दों पर आपसे बात करना चाहती हूँ। एक मुद्दा आपने छुआ नेशनलिज्म का, आपने कहा कमल का बटन दबता है तो पाकिस्तान में खौफ आता है, आपने कहा कमल का बटन दबता है तो 370 हटता है, कमल का बटन दबता है तो कहते हैं, आपने कहा कि सेना में जोश आता है, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के चुनाव में आपके हिसाब से डॉक्टर साहब? बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, और आज भारत का मान विश्व में बढ़ाने वाला व्यक्ति कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी। आप देखिए कि पहले हमारे देश के मसले विदेश में निपटा करते थे, G20 की अध्यक्षता भारत ने करी, विदेश के मसले देश में निपटे हमारे, ये होती है देश की ताकत,
ये होती है राष्ट्रवाद की ताकत, ये होता है तिरंगे का सम्मान। आप देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए, पढ़ने गए थे जो, जब फंस गए तो मोदी जी ने स्पष्ट बोल दिया तिरंगा लगी बस आ रही है, बच्चे बैठेंगे भारत के, गलती से गोली नहीं हो जाए। दोनों सेनाओं ने सीज फायर कर दिया, चीरती हुई बस निकल के चली आ गई, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि गोली चला दे बस पर। ये होता है तिरंगे का सम्मान, ये होता है देश का सम्मान, और ये होता है हमारे उस कमल के वोट की ताकत। आपने राम मंदिर का भी जिक्र किया जिसे लेकर कमलनाथ जी जो हैं काफी वोकल है, वो ये कह रहे हैं आपने घर के पैसे में थोड़ी ना मंदिर बनाया है, सरकार है, सरकार का काम था मंदिर बनाना। सरकारें उनकी नहीं थी क्या, उनने क्यों नहीं बनाया? कभी वो नहीं रहेगा केंद्र के मंत्री या उनके प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। ये तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस है, ये वही लोग हैं जो भगवा को आतंकवाद कहते हैं, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर करना चाहते हैं, ये वही कांग्रेस है जिसके NDIA के गठबंधन के घमंडिया लोग हमारे सनातन को डेंगू से तुलना करते हैं, ये वही कांग्रेस है जिसके राजा दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है। ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। आप ये कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं कि राम मंदिर आप अपना कैसे बना सकते हैं, आपने थोड़ी बनाया। राम मंदिर तो राम, हम कह ही रहे हैं कि राम का मंदिर है, अपना कहाँ से हो गया? वो मंदिर राम का मंदिर है भाई। आप तो ये बताओ कि सोनिया गांधी आ रही हैं क्या वहाँ दर्शन करने, राहुल गांधी आ रहे हैं क्या दर्शन करने, प्रियंका गांधी आ रही हैं क्या भाई इसको? ये बताओ कमलनाथ जी, जो तुम्हें बताना चाहिए, हमसे सवाल पूछ रहे हो? आप तो अपनी का बताओ, हमारी का क्या पूछ रहे हो? हम तो जो करते जा रहे हैं सामने है। वो ये कह रहे हैं कि आप बुला लीजिए ना राहुल गांधी को, बुला लीजिए 22 तारीख के प्रोग्राम में। हमने बुलाया क्या किसी को? किसी को हमने बुलाया क्या? राम मंदिर ट्रस्ट के लोग बुला रहे हैं, वो ट्रस्ट आपको बुलाएगी, पर वो जानती है कि आप कैसे लोग हो, क्यों बुलाएगी वो आपको? लेकिन आपको लग रहा है राम मंदिर इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कमलनाथ जी तो सर, कमलनाथ जी के राम मंदिर से उन्हें आपत्ति क्या है? उनके दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर के उस पर आपत्ति उठा दी जिस दिन शिलान्यास था, क्यों उठा दी भाई? आज राम मंदिर का फोटो लगा तो उस फोटो पे आपत्ति लग कर दी चुनाव आयोग को से। इनको राम से और राम मंदिर से आपत्ति का स्पष्ट तो करें, फिर बाकी बात हम बता देंगे। सर यहाँ पे सवाल ये भी है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को जय वीरू की जोड़ी पहले कांग्रेस ने बताया, फिर कमलनाथ जी ने ये कहा कि ये जय वीरू की जो जोड़ी है ये गब्बर सिंह का खात्मा कर देगी। गब्बर सिंह से उनका मतलब CM शिवराज सिंह से। पहली बात तो ये कि जय वीरू की जोड़ी है और जय वीरू 16 फिल्म में लुटेरे थे, क्या वो ऐसा है? अगर वो गब्बर वाली बात करते हैं तो इसको स्पष्ट करेंगे तो हम आगे की बात भी स्पष्ट करेंगे। वैसे वो जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी तो बल्लभ भवन दलालों का अड्डा था, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का तांडव होता था, झूठ बोलकर सरकार बनाने वाले कमलनाथ जी बताएं क्या एक भी किसान का 2 दिन में 10 लाख माफ हुआ, 10 दिन में 2 लाख माफ हुआ? एक का भी बताएं, मैं आपके साथ चल के उनके गले में माला पहनाऊंगा, एक किसान बता देंगे तो। आज वो दतिया में आए, वो कह गए कि दतिया के 72,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया है। आप दतिया आइए, आपका स्वागत है, आप गांव में जाइए, किसी एक किसान को निकाल के लाइए जिसका कर्जा माफ़ उन्हें किया हो। दतिया में 72,000 किसान बोल के चले गए, झूठ की पराकाष्ठा है। वोट लेने के लिए कांग्रेस कहाँ तक गिर सकती है आप इसका अंदाज करो। मैंने कहा कि 2 लाख 10 दिन में अगर किया हो, इनके राहुल गांधी ने कहा कि नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, उस हिसाब से तो महीने में 3 बदलना थे, 15 महीने सरकार रही तो कांग्रेस के 45 मुख्यमंत्री होना थे, क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये झूठ पे हैं। नौजवान को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, बाद में कह दिया कि ढोल बजाओ ढोर चराओ, एक को भी दिया हो तो मैं आपके सामने कमलनाथ जी को माला पहनाऊंगा, आपके चैनल के सामने पहनाऊंगा। ये झूठ बोलकर राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी विकास पर वोट नहीं मांगा, हमेशा लोगों को भ्रम पैदा करके वोट मांगा। ये कह रहे हैं आपकी पार्टी में, आप उनकी पार्टी में फूट बताते हैं, टकराव बताते हैं, आपकी पार्टी में भी टकराव है इसीलिए शिवराज जी को? फूट बताता नहीं हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ। कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 28 विधायक कांग्रेस छोड़ गए, कमलनाथ जी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 42 विधायक कांग्रेस छोड़ गए, बगावत करी, ये फूट होती है। जो बता रहा हूँ आपको वो प्रमाण है, दस्तावेज है, 28 उपचुनाव हुए हैं एक साथ। इस मध्य प्रदेश कहते हैं कि आप वो तो आप लोगों ने, उनका आरोप है बीजेपी पर कि एजेंसीज का इस्तेमाल करके तोड़ा गया उसके MLA। भाई टूटी तो उनकी पार्टी ना, अपनी बिगड़ी बनाना सके हम जमाने भर के घड़ी साज हैं हम।